न्यूज संवाददाता ने रणवीर गंगवा से भी बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए आप। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी मौजूद हैं। सर, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन हो चुका है, तो किस तरीके से अब वर्किंग जो है वो सरकार की रहने? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा माननीय अरविंद कल्याण जी को, जिनको अभी अध्यक्ष पद का चुना गया है, और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी को जिनको उपाध्यक्ष चुना गया है। दोनों को निर्विरोध चुना गया है, और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा, बधाई और धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे पार्टी के नेताओं का, जिन्होंने एक बहुत ही सुलझे हुए नेताओं को ये दोनों पदों पर चुनने का काम किया है। और एक लंबा अनुभव अरविंद कल्याण जी के पास भी, जो तीसरी बार विधायक हैं, तीसरी बार विधायक ही डॉक्टर मिड्डा जी है, तो एक लंबा अनुभव है। उनके अनुभव के आधार पर एक अच्छी तरीके से आगे जो है एक बैलेंस बढ़ा करके, क्योंकि जो सदन जो चलाने का कार्य होता है वो पक्ष और विपक्ष को दोनों को साधते हुए चलाना होता है, तो निश्चित रूप से उनमें वो काबिलियत भी है और एक लंबा अनुभव भी उनके साथ है। सर, ऐसा पहली बार हुआ कि बिना विपक्ष के जो है वो कांग्रेस आई, कोई सदन का नेता जो है उनका नहीं था ओपोजिशन का? नहीं, विपक्ष तो थी लेकिन सदन का नेता नहीं था, इनका इंटरनल मामला है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, और इसीलिए उनका वो तय नहीं कर पा रहे कि किसको बनाए किसको क्या। वैसे तो उनका अपना मामला है, वो ये इस बारे में बताने का काम करेंगे। बातचीत करने के लिए तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है वो एलओपी किसको बनाते हैं, बट आज जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो है वो आज कुर्सी पे बैठा दिया गया, और उनको शुभकामनाएं भी जो है वो रणवीर गंगवा की ओर से दी गई है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुकाया, इंडिया न्यूज।